पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 51 कनाल से कम भूमि के किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को कृषि के लिए प्रतिवर्ष 6,000 की मदद सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, जिसके अतिरिक्त जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व, भू अभिलेखा, कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि पंचायत घरों में आयोजित किए जाने वाले शिविरों में पात्र किसान बैंक खाते की छायाप्रति, आधार कार्ड को लेकर आए तथा अभ्यर्थी को शपथ पत्र भी देना होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में शामिल होने के लिए पंचायत सचिवों के माध्यम से प्रपत्र भरवाए जाएंगे। उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि इस योजना में सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाले तथा चतुर्थी श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी प्रति माह आय 10,000 से अधिक हो, प्रोफेशनल इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, संवैधानिक पदों से जुड़े लोग, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर इत्यादि को योजना में शामिल नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत हमीरपुर जिला के विभिन्न पंचायतों के लिए लाभार्थियों की चयन शिविरों की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। निर्धारित तिथियों के अनुसार संबंधित पंचायत घरों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला के सभी विकास खंडों के अंतर्गत 13 फरवरी यानी आज से लेकर 19 फरवरी तक ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। नई स्कीम की शुरुआत हुई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि। इस योजना के तहत वो किसान परिवार जिनकी पूरी भूमि 2 हेक्टेयर या उससे कम है, वो इसमें लाभान्वित होंगे और पर हर साल उनके खाते में 6,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे। इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए जिला भर में कल से पंचायत घरों में कैंप्स लगाए जा रहे हैं, ताकि लाभार्थी उनमें आके आवेदन करें, ताकि उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिल सके। मैं आप सबसे अपील करती हूं कि इस स्कीम में आप बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने पंचायत सेक्रेटरी के पास अपना आवेदन दें। इस स्कीम के तहत जो भी लोग, जिनके पास, जो कि सरकारी नौकरी में हैं या पेंशनार्थी हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब एलिजिबल नहीं होंगे। जो लोग कैंप्स में आएंगे, वो अपना आधार कार्ड, उसकी कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी भी साथ लेकर आए।